उमरिया में पुलिस कर्मियों की शहादत को याद किया गया और अपने कर्तव्य पथ पर जान न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के शहीद पुलिस कर्मियों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने जिले भर से समस्त पुलिस अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों की शहादत को स्मरण करते हुए कहा, पुलिस स्मृति दिवस देश भर के हमारे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिवस है। हम इस दिन अपने कर्तव्य के लिए शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका बलिदान और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगी। वहीं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर पुलिसकर्मी हर मोर्चे पर देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज हमने देश सेवा के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कि आप लोगों को विदित होगा कि 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे होता है, शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। उसमें पूरे वर्ष में जो पुलिस और अर्धसैनिक के जो जवान ऑफिसर्स जो अपनी शहादत देते हैं देश के लिए, उनको कमेमोरेट करते हैं। इस संबंध में आज करीब 245 इस तरह के शहीदों का हम लोगों ने नाम वाचन किया है और उनको उनके शहादत के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस परिसर में जो स्मारक स्थापित है उसमें पुलिस कमेमोरेशन डे पर पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के जो जवान शहीद हुए हैं उनको हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। विभिन्न प्रदेशों की पुलिस, BSF, ITDP, CISF, CRPF, SSB और भारत शासन का गृह मंत्रालय के लोगों जो शहीद हुए हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।